ये जो लगातार आजादी के बाद से आज तक धोखा होता आ रहा है इसे बंद कर दीजिए। उन शहीदों की एक लिस्ट जारी कीजिए जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने के अंदर अपनी जान दी है। बताइए कि भगत सिंह शहीद हुए या नहीं हुए, बताइए आप राजगुरु शहीद हुए या नहीं हुए, सुखदेव शहीद हुए या नहीं हुए। और मैं तो कहता हूं 1857 का जो सूली वाला बाग है, खड़े हो गए यहां बताओ ये इस लोग शहीद हुए या नहीं हुए। और इस प्रोग्राम के माध्यम से आज मैं हिंदुस्तान के अंदर ये भी कहना चाहूंगा कि भगत सिंह जी को भी शहादत का दर्जा दिया जाए। उनके साथ साथ जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के अंदर अपनी प्राण न्योछावर कर दी, उनको भी आजादी का इनाम दिया जाए, उन्हें शहादत का दर्जा दिया जाए। और साथ साथ दोस्त एक बात और कहना चाहूंगा कि करो हिंदुस्तान के कानून के अंदर एक बदलाव, करो कुछ ऐसा कि हर साल 26 जनवरी या 15 अगस्त के अंदर हर गांव में, हर जिले में, हर मुख्यालय पर, किसी सामूहिक जगह पर, किसी बहुत बड़े मैदान के अंदर राष्ट्रगान कराइए। आप एक सामूहिक राष्ट्रगान कराइए और हिंदुस्तान के हर नागरिक को उस राष्ट्रगान के अंदर मौजूद रहने को आप कंपलसरी कीजिए, उसका रहना आप जरूरी कीजिए। सिर्फ उसके अंदर जो लोग विकलांग हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उन्हें छोड़कर हर हिंदुस्तानी का ध्वजारोहण के अंदर, राष्ट्रगान के अंदर खड़ा होना कंपलसरी कीजिए। जब हिंदुस्तान के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगेगी, वरना जूनियर हाई स्कूलों तक सीमित रह गया। 15 अगस्त 26 जनवरी सिर्फ जूनियर स्कूल में मनाए जा रहे हैं। हम लोगों में से 90% लोगों को ये नहीं पता होगा 15 अगस्त में क्या हुआ, 90% लोगों को ये नहीं पता होगा 26 जनवरी में क्या हुआ, लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि कौन कौन लोग हमारे यहाँ शहीद हुए। हमें 23 मार्च 1931 का पता नहीं लगेगा, हमें उन शहीदों की शहादत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। और तो और जितने लोग यहाँ मौजूद है अपने गृहमान के अंदर झांके, मैं खुद भी अपने गृहमान के अंदर झांक के कहता हूँ, बताओ कितने लोगों को राष्ट्रगान याद है। जब स्कूलों में हम पढ़ते थे तो राष्ट्रगान होता था, कितने हाथ उठे 10-20।